दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो गाइस, वेलकम तो मैंने किया ही नहीं। यू आर वेलकम। तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, जो कि आप जानते ही हैं कि आर्टिस्ट नंबर वन है। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लॉजिक की वीडियो शेयर करने वाला हूं। वैसे तो मैं इस चैनल पे सारी आर्ट रिलेटेड वीडियोस ही बनाता हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम माइंड रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। तो गाइस, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आपके समय कितने वाले हैं? आप हैरान हो गए, लेकिन गाइस आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी नहीं दे सकता है। लेकिन गाइस, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नहीं दे सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूं, वो भी बहुत ही ज्यादा इजीली से। तो चलिए देखते हैं आपके सर में कितने बाल हैं। मैं बताता हूं, आपके सर में 810,250 बाल हैं। तो गाइस, मैंने आपको बताया कि आपके सर में 810,250 बाल हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या तुम सच कह रहे हो? तो गाइस, मेरे हिसाब से तो मैं सच कह रहा हूं। अगर आपको कोई भी गलत फहमी है, मतलब आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं, तो गाइस आप प्रूफ कर दीजिए कि मैं गलत कह रहा हूं और मेरे सर के बाल गिन के बताइए कि मेरे सर में कितने बाल हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मतलब कि मैं इस डिबेट का विनर हुआ। तो गाइस, ये एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा एक टॉपिक है, माइंड का लॉजिक है, कि अगर सामने वाला बंदा आपसे कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर कैसे देते हैं। तो चलिए अब लगाते हैं आपसे कि अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि बताओ आपके सर में कितने बाल हैं, तो आप तो हैरान हो जाओगे, बोलोगे भाई मुझे तो नहीं पता मेरे सर में कितने बाल हैं, मैं क्या करूं। तो गाइस, ऐसी जो सिचुएशंस हैं, इनको फेस करने के लिए ही तो मैं वीडियोस बना रहा हूं, इसलिए आप वीडियोस देख रहे हैं। तो गाइस देखिए ना, मैं बता रहा हूं, समझ रहे हो ना, कि अगर कोई भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आपको उसे सिंपली बताना है। आप कोई भी रैंडम नंबर चूज कर लीजिए, एक बड़ा नंबर चूज कर लीजिए, लाख्स में चूज कर लीजिए, करोड़ में चूज कर लीजिए, मतलब थाउजेंड्स में नहीं, लाख्स या करोड़ में आप कोई भी नंबर चूज कर लीजिए। तो आप उसे कोई भी नंबर बताइए, आप उसे नॉर्मली बताइए कि मेरे सर में 810,250 बाल है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो अगर वो बंदा आपके इस आंसर से सेटिस्फाई हो जाता है, तो मतलब आपका जो मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ, मिशन सक्सेसफुल। लेकिन अगर वो बंदा कहता है अरे नहीं, मैं कैसे मान लूं भाई तुम्हारे सर में इतने ही बाल हैं, तुम्हारे सर में तो कम या ज्यादा बाल भी हो सकते हैं, तो आप उसे सिंपली कहिए चलो ठीक है, मान लिया कि मेरे सर में कम या ज्यादा बाल हैं और मेरे सर में उतने बाल नहीं जितने मैंने बताए, तो क्या तुम इसे प्रूफ कर सकते हो? मैंने तो गिने थे भाई, मैं एक दिन बैठा, मैंने अपने सर के बाल गिन लिए, मैं तुम्हें नंबर बता रहा हूं। अब अगर तुम इसे डिसप्रूव कर सकते हो तो तुम मेरे सर के बाल गिन के बताओ मेरे सर में कितने बाल हैं। तो वो बंदा एकदम चुप हो जाएगा और आपका मिशन फिर से सक्सेसफुल, मतलब आप इस डिबेट में फिर से विनर हो गए। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है, मतलब ये आपको ये बताता है कि आपके अंदर कितना माइंड है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो गाइस, ऐसे ही हम एक और ले लेते हैं टॉपिक, जैसे आप ले लीजिए स्टार का, कि स्काई में कितने स्टार है, कोई आपसे पूछता है तो आप उसे क्या बताएंगे? आप उसे नॉर्मल बताएंगे कि भाई मुझे तो पता नहीं। लेकिन अगर आप अपना माइंड थोड़ा सा लगाएं तो आपको सिंपल यही वाला रूल लेना है, आप कोई भी नंबर बता दीजिए कि मैंने गिने थे एक दिन, मैं तो एकदम फ्री बैठा था रात को, तो मैंने देखा चलो बहुत सारे स्टार हैं, चलो देखते हैं कितने स्टार है, तो आपने गिन के बता दिए कि भाई इतने स्टार हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो वो बंदा हैरान, है भाई कैसे, तुमने कैसे बताया? तो आप कहीं मैंने गिने थे। अब वो कहेगा मैं कैसे मान लूं? तो आप सिंपली बता दीजिए कि भाई मैंने गिने थे, और अगर तुम ये कहते हो कि इतने नहीं है तो तुम गिन लो। तो मतलब एक नॉर्मल सी ये ट्रिक होती है। और गाइस, ऐसे ही मान लीजिए अगर आपका मतलब फेस हो जाते हैं आपके सामने कोई भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा, मतलब सुप्रीम पावर वाला, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा आपके सामने आ जाता है, और वो आपसे पूछेगा चलो बताओ तुम्हारे सर में कितने बाल हैं, ठीक है वो पूछता है, तब आप क्या कहेंगे? आप मेरे वाले ट्रिक को अगर अप्लाई करते हैं तो आप उसे नॉर्मल कोई भी रैंडम नंबर बता देंगे, हाई डिजिट वाला। अब आप उसे कोई भी रैंडम नंबर बताते हैं तो वो बंदा क्या सोचेगा? वो उस नंबर को नोट करेगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंट बंदा है, वो उस नंबर को नोट कर लेगा, उसके बाद वो क्या करेगा,
वो 2-3 महीने बाद या चाहे तो 2-4 साल बाद भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ तुम्हारे सर में कितने बाल हैं। तो लेकिन आपके अंदर तो इतनी पावर नहीं है भाई, मेरे अंदर इतनी आईक्यू पावर नहीं है, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने उस टाइम कितने बताए थे, अब मैं क्या बताऊं। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना याद रखना है कि आपने लैक्स में बताया था नंबर या करोड़ में बताया था। मान लीजिए आपने लैक्स में बताया, आपने 9 लाख में कोई नंबर बताया था, अब आपको क्या लगा कि नहीं मैंने 9 लाख में नहीं, मैंने तो 10 लाख में बताया था, और आप उस बंदे को 4-5 साल बाद बता देते हैं कि मेरे सर में 10 लाख ऐसे कुछ करके बाल हैं, तो वो बंदा पकड़ लेगा आपको, वो बोलेगा 4-5 साल पहले तो ये 9 लाख थे, अब 10 लाख कैसे हो गए। तो आप उसे क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि भाई इतने साल हो गए मेरे बाल बढ़ गए, तुम्हें क्या दिक्कत है, मैंने तेल लगाया, मेरा पहले वाला तेल मुझे छंड लगा, मैंने कोई दूसरा तेल चूज किया, मैंने उसे लगाया जिससे कि मेरे बाल की ग्रोथ और बढ़ गई और वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए, मतलब उसकी जो इंक्रीज है उसमें नंबर में इंक्रीज आ गया, इसलिए मेरे नंबर जो है हेयर के नंबर वो बढ़ गए। तो ये एक सिंपल से ट्रिक आप उसे बता देंगे तो हैरान हो जाएगा। अब अगर आपने कोई कम नंबर बताया, मतलब आप उसे कम नंबर बताते हैं कि आपने 9 लाख बताया, आपने 8 लाख के अंदर कोई नंबर बता दिया, तो वो आपको फिर से पकड़ लेगा, वो आपको फिर से बोलेगा अरे भाई तुमने तो पिछली बार 9 लाख में बताया था, 8 लाख कैसे हो गए, क्या कम हो गए। तो आप बोलेंगे हाँ भाई कम हो गए, मैंने अपना शैम्पू बदल लिया था, तो क्या है पहले मेरा दूसरा शैम्पू था, अब मैंने दूसरा शैम्पू ले लिया है, तो वो शैम्पू मैंने लगाया जिससे कि मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए। तो उससे क्या होगा, आपके बाल कम हो गए, वो बंदा फिर से आ रहा, तो इससे क्या हो, इस डिबेट में भी आप जीत गए। तो इस हिसाब से आप किसी भी अनकाउंटेबल चीज के कोई भी, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इसका आंसर बहुत ज्यादा इजीली से दे सकते हैं इस ट्रिक की हेल्प से। तो गाइस अगर आप ऐसी और भी ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। तो गाइस मिलते हैं अगली ऐसी मजेदार वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।